नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। आज की अगर हम बात करें तो आज ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसलों का, अहम फैसलों का दिन रहा। कई अहम मसलों पर जो पेंडिंग पड़े हुए थे मामले, उन पर एक अहम फैसला लिया गया। और जहां एक तरफ आधार कार्ड में सरकार की परेशानी बढ़ी है, वहीं राज्य सरकारों के पाले में एससी एसटी और खासतौर पर प्रमोशन में आरक्षण वाला जो मसला है, वो गेंद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डाल दी गई। एक फैसला ये भी आया कि क्या जो सवाल उठता था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कार्यवाही है, ये लाइव होनी चाहिए, सबको दिखाना चाहिए या नहीं, इस पर हामी भर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी और एक ऐतिहासिक फैसला ऐसे कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बहुत अहम फैसले लिए गए, और खास तौर पर बड़े फैसलों के लिहाज से अगर देखें तो आज का दिन यानी कि बुधवार का दिन बहुत अहम रहा। सुबह कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने के बाद तीन बड़े फैसले सुनाए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दिया। सीधे तौर पर प्रमोशन में आरक्षण को खारिज न करते हुए इसे राज्यों पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार की यह अर्जी खारिज कर दी कि एससी एसटी को आरक्षण दिए जाने में उनकी कुल आबादी पर विचार किया जाए। वहीं कोर्ट ने दूसरे बड़े फैसले में आधार के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि आधार कहां कहां जरूरी है और कहां नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य बनाना जरूरी नहीं है। कोई भी मोबाइल कंपनी आधार कार्ड की डिमांड नहीं कर सकती। फैसला पढ़ते हुए जस्टिस ए के सीकरी ने कहा कि आधार कार्ड की डुप्लीकेसी संभव नहीं है और इससे गरीबों को ताकत मिली है। वहीं अपने तीसरे फैसले में कोर्ट का कहना है कि अभी तक कोर्ट के फैसलों को पढ़कर ही जाना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब अहम मामलों की सुनवाई लाइव देखा जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग से अदालत की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी और ये जनहित में होगा। के तरह कोई कानून लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता, ये सिर्फ स्पीकर नहीं तय कर सकता और स्पीकर का डिसीजन कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस चंद्रचूड़ की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये आधार एक्ट मनी बिल की तरह नहीं लाया जा सकता था और इसलिए ये पूरा एक्ट वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि गलत तरीके से पास किया गया। जी, अब बैंक खाते के लिए आधार पर जो आज फैसला आया है, कह दिया कि जरूरी नहीं है। स्कूल में अगर दाखिले के लिए अगर बात की जाए तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इसके साथ साथ मोबाइल के लिए अभी तक ये हो रहा था कि आधार कार्ड जरूरी हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। सीबीएसई और यूजीएससी की परीक्षाओं की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी ये फैसला आया है। पैन कार्ड में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके लिए जरूरी बताया गया है। आयकर रिटर्न में आधार कार्ड को जरूरी बताया गया है। और इसके साथ साथ बैंक खाते के लिए आधार कार्ड को लेकर के भी एक अहम फैसला सामने आया है। जी, आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो फैसला है वो आया है और कैसे
इस फैसले को लेकर अब आगे बढ़ेगी सरकार, क्योंकि सरकार की कुछ मामलों में फजीहत भी हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का आज आधार को लेकर खासतौर पर फैसला आया है उसे लेकर। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सतबीर सैनी साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है राकेश शर्मा जी आपका। और सोमवीर आर्य साहब हमारे साथ एक एडवोकेट के नाते, एक वकील के नाते, कानून के ज्ञाता के नाते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल रिएक्शन में लूँ उससे पहले मैं सोमवीर आर्य साहब आपसे समझना चाहूँगा, आधार कार्ड को लेकर के जो फैसला खासतौर पर आया है आज, इसको किस तरीके से देखा जाए? हमारे सुरक्षा का भी एक पहलू था, लोगों की जो प्राइवेसी है उसका भी एक मसला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने था। देखिए सुमन जी, इसमें ऐसा है कि इसमें थोड़ा इतिहास में जाते हैं। ये पहले भी आधार कार्ड का कानून बनाया, का नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन प्रॉपर कानून 25 मार्च 2016 को पार्लियामेंट से पास होकर राष्ट्रपति के साइन से कानून बना, और इस कानून में को जरूरी कर दिया गया था हर फील्ड में उस एक्ट के हिसाब से, जो 25 मार्च 2016 को एक्ट बना उस एक्ट के हिसाब से हर चीज़ में जरूरी कर दिया गया था। आपको चाहे सिम कार्ड लेना हो, बैंक खाता हो, कोई भी हो आपको, और एक आइडेंटिफिकेशन तो थी ही थी। उसके बाद ये प्राइवेसी का राइट ऑफ प्राइवेसी है, उसके ग्राउंड को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी रिटें फाइल हुई, उन रिटों को सबको कलम करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रेफर कर दिया, जिसका फैसला आज सुनाया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी, वो अभी रिटायर होने जा रहे हैं अभी 2 अक्टूबर को। तो ये अब आज जो फैसला आया है, इसकी सबसे पहले तो जैसे आपने भी दिखाया, मोटे तौर से आम जनमानस को भी पता ही होता है, तीन चीज़ों में तो ये मोटे तौर से ये आधार जरूरी है। एक तो पैन कार्ड के लिए, कि पैन कार्ड बनवाओगे आप तो उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है। दूसरा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। तीसरा जो है वो जो सरकारी सुविधाएँ हैं, जैसे सब्सिडी है, बच्चों का वजीफा है, सस्ते अनाज है, BPL है, इस तरह की जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएँ, पेंशन्स हैं, जिस तरह उनमें सब में जरूरी कर दिया गया। हाँ, एक एक्सेप्शन ज़रूर है इसमें, तो ये तीन चीज़ों के लिए तो कर दिया गया, बहुत बिल्कुल ज़रूरी, इनके बगैर ये नहीं हो पाएगा। अब आप आएँ कि किन में नहीं है, जैसे आपने दिखाया बैंक खाते अकाउंट खुलवाने के लिए नहीं है, सिम कार्ड के लिए नहीं है, प्राइवेट कंपनी आपके डाटा नहीं मांग सकती, कोई आपका आधार कार्ड नहीं मांग सकती, प्राइवेट जैसे ईमेल कंपनियां हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं आइडिया की, इसे ये आपसे आधार कार्ड नहीं मांग सकती। एक 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट है, उसको भी आप आधार कार्ड आप नहीं मांग सकती गवर्नमेंट या जो भी एजेंसी है, तो एक उनको ये छूट दी गई है। इस तरह से 7 कैटेगरीज को छूट दी गई है, 3 कैटेगरीज में नेसेसरी किया गया है। ये तो है इसका आज का संक्षेप, क्योंकि अभी तक डिटेल लोड रहा नहीं है, तो ये था संक्षेप। अब आप कहोगे इसको कैसे देखा जा रहा है, इसको प्राइवेसी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ इसको कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया, असंवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है, कम से कम ये संवैधानिक है, और हमारे देश का कानून इस पर बन सकता है, संवैधानिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इसमें आगे कोई भी सरकार जो कदम उठाना चाहे, कोई कानून बनाना चाहे आधार से रिलेटेड, या कोई नोटिफिकेशन करे, कोई ऑर्डर करे, कोई रूल्स बनाए, एक तो उसके लिए छूट हो गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है तो अफरा तफरी हो जाती, पिछले जितने भी जोड़े थे जिन लोगों ने अटैच किया था वो बेकार हो जाते, और आगे जितनी भी आती जो भी स्कीमें आती उन पर किसी में कुछ नहीं होना था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। उदाहरण के तौर पे वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को अभी इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको स्पेसिफाई नहीं किया, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो स्पेसिफाई नहीं हो पाई हैं, तो इनके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो कानून बना सकती। अब सरकार चाहे जनता की सुविधा के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इसमें कानून बना सकती है। अब ये वेलफेयर गवर्नमेंट हमारी कल्याणकारी, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो लोग क्लेम है MACT का क्लेम है, मोटर ट्रिब्यूनल से एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाता है, क्लेम है, उसमें लाइसेंस आधे से ज़्यादा फर्जी होते हैं। अगर इनको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, कोई भी गवर्नमेंट इतना रिस्क ले ले, इतना
समझ सके कि ये इतना जरूरी है तो ये उसको जोड़ सकती है। वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को आप इतनी संस्थाएं हैं, इतनी रिटें फाइल होती हैं चुनाव सुधार करो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दो। तो इस तरह से आगे रास्ता खुल गया, कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरह से रास्ता खुल गया जो महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं जरा, सुदेश कटारिया साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जिस तरीके से आधार कार्ड खासतौर पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए अनिवार्य कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता जरूरी नहीं है, साहब कितना बड़ा झटका है आप लोगों के लिए? कितना बड़ा झटका है? देखो बिल्कुल झटका नहीं है सुमन साहब, अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार की लाभकारी और सब्सिडी योजना में जिस प्रकार का पूर्व की सरकारों में घपला होता था, जिस प्रकार से पूर्व के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी की स्टेटमेंट आपको बताऊं तो उन्होंने कहा अगर हम सरकार से एक रुपया भेजते हैं तो वहां 10 पैसा पहुंचता है। सबसे पहले तो हमने एक रुपया अगर सरकार से जाता है तो एक रुपया आखिरी आदमी तक, अंत्योदय स्कीम के तहत जो आखिरी आदमी है हमारा। मेरा सवाल आपसे ये था, आपने कहा आपकी सरकार ने ये कहा, आपकी सरकार ने ये कहा कि सरकार में जो सब्सिडी, कटारिया साहब देखिए भाषण नहीं चाहिए साहब, भाषण बचा के रखिए, 19 में काम आएगा, डिबेट का हिस्सा नहीं है, भाषण बचा के रखिए, जनता पार्टी योजनाओं का भाषण बचा के रखिए कटारिया साहब, वो 19 इलेक्शन, हाँ इलेक्शन इलेक्शन के टाइम पे काम आएगा। सुदेश कटारिया साहब भाषण रखिए ना, बचा के रखिए, अभी मौका देगी बीजेपी सरकार आपको, आपको मौका मिलेगा, आप जाइएगा रैली वैली में बोलिएगा वहां जा करके, अभी नहीं जनता टीवी का ये मंच आपको भाषण के लिए नहीं दूंगा मैं, अपने अपनी रैली कीजिएगा तो वहां भाषण दीजिएगा। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बैंक अकाउंट को लेकर के आपकी सरकार ने एकदम आग लगा दी थी, मैसेज पे मैसेज कि अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाइए नहीं तो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा, सीज हो जाएगा, सब कुछ फलाना धमकाना सारी चीजें हो जाएंगी उसके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया जरूरी नहीं है, तो कुछ तो आधार होगा ना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, आप लोग काहे एकदम हाई तौबा मचाए हुए थे? साकेत जी समझने की बात है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए, समझने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए, हम तो कानून, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए क्या, न्यायपालिका का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए आप, आपके वकील थे ना, आपके केंद्र सरकार के वकील थे ना, केंद्र सरकार के वकील थे, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए क्या, आप मुझे समझा रहे हैं? सिर्फ समझने की आवश्यकता है साकेत जी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो जो भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की मंशा है कि हम एक रुपया दें तो एक रुपया आखिरी आदमी तक पहुंचे, उस पर मोहर लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे मोहर लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड बैंक अकाउंट के लिए जरूरी नहीं है, चलो बिल्कुल बहुत अच्छी बात, उसकी अनुपालना करेंगे हम, तो फिर अब आप कैसे पहुंचाएंगे? एक रुपए निकालेंगे केंद्र से तो एक रुपए कैसे पहुंचेगा? पार्टी का तो सीधा एजेंडा, अगर एक रुपया सरकार से जाए तो एक रुपया आखिरी आदमी तक पहुंचे, बस इतना सा एजेंडा है। फैक्ट्स नहीं है आज आपके पास सुदेश कटारिया साहब, आज आप भाषण देने के मूड में आए हैं, पूरे फैक्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सतबीर सैनी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा झटका है ये बीजेपी बीजेपी की सरकार के लिए, कितना बड़ा झटका है सतबीर सैनी साहब? देखिए जब से ये सरकार आई है उससे पहले तो इनका लेवल कुछ और था, बोलने की स्पीच में कुछ और होता था, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तो इनका स्टैंड अलग था, और जैसे ही सरकार बनी आने के बाद इन्होंने जिस तरह से गड़ा घोटना शुरू किया, चाहे बैंक अकाउंट में डालने का था या और कहीं पर भी, हर जगह इनको इतना जरूरी कर दिया, ये देखने की कोशिश नहीं की कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, भला हो अब सुप्रीम कोर्ट ने जाके उसको ठीक किया है और लोगों को राहत मिलेगी, अननेसेसरी हरासमेंट करने का एक जरिया था जो सरकार ने आंख बंद करके ये किया, अगर इस तरह का डबल स्टैंडर्ड भाजपा का है इसमें मैं इसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि इलेक्शन रैलियों में जिस प्रकार के भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जो भाषणबाजी की थी और आने के बाद उन्होंने क्या किया उसका जो आज निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। नहीं, सतबीर सैनी साहब एक चीज बताइए,
आप ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला स्वागत योग्य है, इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड लाने का फैसला संवैधानिक है। अगर ये असंवैधानिक होता तब हम ये कहते कि सरकार के लिए बहुत बड़ी झटके वाली बात है, उसको तो संवैधानिक माना सुप्रीम कोर्ट ने। संवैधानिक कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे माना है, जैसे बिल्कुल अंधाधुंध होके जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, अंधाधुंध होके जो लागू करने की जो भाजपा की जो सोच थी, ताकि वो मिसयूज हो, जो डाटा जो है, जो कई जगह प्राइवेट जैसे मोबाइल कंपनियों को डाटा दो, कंडीशन लगा दी, मोबाइल कंपनियों के पास इंडिविजुअल का डाटा जाएगा और उसको वो इन कंपनियां उसको यूज करेंगी, चाहे वो जियो थी या कोई और कंपनियां थी, इस तरीके से अंधाधुंध होकर किया, वो गलत था और जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलैक्स किया है अपने निर्णय में। राकेश शर्मा जी आप अपना पॉइंट रखिए। मैं सर साकेत जी सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का, जिन्होंने जबरदस्ती ये आधार कार्ड का जो जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनको रोका। जहां इनकी रिक्वायरमेंट है, जहां इसकी जरूरत है, वहां लगाए इसको, कोई दिक्कत नहीं। 14 साल तक के बच्चों के स्कूल में एडमिशन दिए जाना, वहां आधार कार्ड जरूरी। अब बच्चे आधार कार्ड बनवाए या स्कूल में एडमिशन कराए, लाखों लोग हॉस्पिटल में दवाई से वंचित। सरकार कहती है दवाई आपको हॉस्पिटल से फ्री मिलेगी, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। और सर जो लोगों की प्राइवेसी थी, जो फंडामेंटल राइट था लोगों का, जो फंडामेंटल राइट था, पहले से निर्देश जारी है आधार कंपलसरी नहीं है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं में आधार जरूरी नहीं है। माननीय प्रवक्ता जी बताएं साकेत जी, ये कब से लागू हुआ? मैं बताता हूं, स्टेटमेंट देखिए, लागू कब से किया इन्होंने। पार्टी और आप लोगों के नेताओं की जिस प्रकार से बंदरबाट चल रही थी, जिस प्रकार से 1 रुपया सरकार से जाता था और 10 पैसा पहुंचता था, उसको रोकने का काम हमारी सरकार। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई बात और कहने के लिए की बात है। ये डिबेट को फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं साकेत जी, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। राजीव गांधी जी खुद स्टेटमेंट, इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि जहां इनकी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि संविधान को, आधार को छेड़छाड़ करना संविधान के साथ झटका है, संविधान के साथ छेड़छाड़ है, क्लियर कट डायरेक्शन है। मैं आपको अगर आंकड़े के आधार पर बताऊं तो 20,000 मीट्रिक टन की बचत पर मंथ खाद्य आपूर्ति विभाग में हुई, जिसमें करोड़ों रुपया बचा है। 2 लाख फर्जी दाखिले 2016 में शिक्षा विभाग द्वारा पकड़े गए हैं, जिससे करोड़ों रुपए की बचत हुई है। आपको अगर आंकड़े के आधार पर बताऊं तो सरकार से खाने की नियत से एक एक आदमी 4-4 बार लाभ ले रहा था, जिस प्रकार से गलत तरीके से लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। ये चैनल पे बैठ के पार्टी का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, प्रवक्ता को अपनी बात रखे। मैं फिर दोबारा जनता का मूर्ख बनाया और जनता का नजायज पैसा लूटा है, आज इनके पास चलने बैठने करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं बैठ के यहाँ, बजाय आधार पे चर्चा करने के। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के और फैसले आए हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर बैंक अकाउंट से आधार को ना जोड़ा जाए, इसके पीछे जो लॉजिक है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे सुमवी आर्या जी से। और इसी एक मसले पर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालत को समझा पाने में, उनको मना पाने में कामयाब इस मसले पर वो क्यों नहीं हुए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और फैसलों के सुप्रीम दिन की हम बात कर रहे हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहम फैसले लिए गए हैं उस पर चर्चा करें। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, चलिए सीधे चर्चा का रुख करते हैं। सुमवीर आर्य साहब, जो बैंक अकाउंट की भी एक बात सामने आ रही है और उसको लेकर के इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि सरकार के लिए ये एक ड्रॉबैक रह गया, एक धक्का है सरकार के लिए, ऐसा कुछ है क्या आप अगर हमें अच्छे तरीके से समझा पाएं तो? देखिए, जहाँ तक बैंक अकाउंट का सवाल है, बैंक अकाउंट का
जो है वो एक एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन बैंक अकाउंट है जहाँ तक जन सुविधाएँ हैं जो सरकारी फायदे आपको मिलने, फॉर एग्जांपल पेंशन है, स्कॉलरशिप है या और कोई भी बेनिफिट है, कोई भी सब्सिडी है, उसके साथ उसको जोड़ दिया, उसको आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया, आधार कार्ड के साथ बैंक जुड़ा हुआ है जिस सुविधा में आप बैंक अकाउंट में आना है, तो जो सुविधा आपने लेनी है वो बैंक अकाउंट में जाएगी, बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से कोई किसी तरह का कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक बैंक के जो जरूरी नहीं किया है, सिर्फ छोटी सी बात, छोटा सा होने वाला फायदा है कि एक आम आदमी कई बार बैंक खाता खुलवाने जाता है और उसके पास आधार कार्ड नहीं होता, मिसप्लेस हो गया या उसने नहीं बनवाया हुआ किसी वजह से, तो उसको बैंक वाले कहते थे हम तेरा खाता नहीं खोलते, बचत का खाता या कोई छोटी मोटी किसी ने FD करवानी हो। इसके अलावा जो कन्या का खाता है, जो जीरो बैलेंस के गरीब के खाते, तो सभी जुड़े हुए हैं, जुड़ने जरूरी हैं, तो खाते में कोई बहुत बड़ा ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है खाते, जहाँ तक बैंक अकाउंट का सवाल है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मैच्योर जो है ना, ये पार्टियाँ अपने अपने हिसाब से इम्प्लीट करती हैं, अपने अपने हिसाब से बताती हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बहुत ही मैच्योर फैसला है। आप इसके मैं बताता हूँ एग्जाम्पल क्या है कि जितनी भी सरकारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, सब्सिडी वगैरह जितनी भी हैं, उनमें आधार कार्ड जरूरी है। तो गरीब जनता का जो सब्सिडी का फायदा अब तक, या मैं नहीं कहता अब तक जाता था, लेकिन जो जाने की संभावना थी कि ये गलत जगह जा सकता है, इसको बीच चोले खा सकते हैं, भ्रष्ट ऑफिसर्स खा सकते हैं, पॉलिटिशियन खाते हैं और कोई भी बिचौलिया खा सकता है, एक तो वो कंटिन्यू रहेगी जो पाँच चार सालों चली है, तो वो जो बचत हो रखी थी वो कंटिन्यू रहेगी। एक सबसे बड़ा तो मैच्योरनेस गरीब के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा, और दूसरा ये जो इतनी भी सरकारें, जितने भी पॉलिटिशियन है, सारे अंदर से तो जो भी भ्रष्ट सरकार है जी, वो आएगा तो उसको करप्ट बताएगा, वो आएगा तो उसको करप्ट बताएगा, तो उसमें करप्शन के लिए इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स सबसे बड़ी वो है, तो इनकम टैक्स को आधार कार्ड से जोड़ दिया, क्योंकि जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से बनेगा, आधार कार्ड से जुड़ेगा, आधार कार्ड में, आधार कार्ड अगर आपका जुड़ा हुआ है तो आप बताओ टैक्स की चोरी कैसे करोगे, क्योंकि वो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो आधार कार्ड टैक्स में, तो ये जो लोग बचत करते थे, आयकर विभाग से चोरी करते थे, घुसखोरी करते थे, वो सारी समस्याएं हल हो गई। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, खाते का जहां तक सवाल है, बैंक खाते का जी, बैंक खाते को अगर हम दूसरे हिसाब से देखें, बैंक में सुविधा इसलिए थी, भ्रष्ट लोग मैं हूं या आप हैं, एक बैंक ऑफ इंडिया में 10 लाख जमा करा दिए, एक 5 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करा दिए, अगर आधार कार्ड हो तो वो एकदम पता चल जाता है। अब इस सरकार ने दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या किया, अगर इसकी इच्छा शक्ति हो तो, और वो सब्स्टिट्यूट है ऑलरेडी, उसने इनकम टैक्स का बैंकों से जोड़ दिया है, जिसका भी 2 लाख से 5 लाख ऊपर आएगा अकाउंट में पैसे आएगा, वो फट इनकम टैक्स को बताएगा, इनकम टैक्स जुड़ा हुआ है पैन कार्ड से, पैन कार्ड जुड़ा हुआ आधार कार्ड से, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये फैलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको झटका लग गया, उसको ठीक हो गया। अब मैं एक बात पूछता हूँ, बगैर पॉलिटिशियन, तीनों पॉलिटिशियन बैठे हैं, अब मैं मुझे यह बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड को अगर आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए तो क्या परेशानी है, या बैंक खाता था उसमें ठीक है, उसमें एग्जेम्पशन थी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर सुविधाओं को जोड़ दिया, जिस आदमी के पास आधार कार्ड है वो सब्सिडी लेगा, उसको खाद मिलेगी, उसको पेंशन मिलेगी, तो क्या बुरा है, प्रॉपर आदमी के पास प्रॉपर चेयर। सबसे जरूरी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सबसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन आज तक के इतिहास में इंडिया में, इंडिया में आप अखबार जजमेंट पढ़ के देखिए, उसमें कहा कि ठीक है कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन इससे बढ़िया आइडेंटिफिकेशन, इससे यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये बाद में आने वाली सरकारें भी कर सकती हैं, लेकिन उसको जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो नहीं हो पाता। तो कोई ना इसको आप झटका कह सकते ना वो कह सकते, कंटिन्यू चल रहा जैसा था। जो एक मसला था वकील साहब, जो निजता वाली, एक प्राइवेसी वाला मसला था जी, हाँ सबसे जो, हाँ एक मैं और बात करना चाहता हूँ कि ये जो रिट थी 2015 में जरूरी किया, ये कौन सी सरकार है भैया, इन्होंने मोदी सरकार ने, उसके बाद 25 मार्च जरूरी कर दिया। तो जो असल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आप समझना चाहते हो या समझ सकते हो, असल भावना क्या थी कि
उन्होंने जो रिट चैलेंज की जितनी भी रिटें फाइल हुई आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ, उसमें सबसे ज्यादा था कि हमारा राइट ऑफ प्राइवेसी खत्म हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, जैसे मौलिक अधिकार है इस तरह राइट ऑफ प्राइवेसी भी अधिकार है, अगर उस अधिकार में मेरा हनन हो रहा है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। ये भ्रम है कि सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया, वो बात तो मानी नहीं, जो बेस था, जो रीढ़ की हड्डी था, जिस बेस पर रिट पिटीशन फाइल हुआ था कि हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है जी, हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है, वो तो कोर्ट ने उसको तो टच ही नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, इसका मतलब उसको तो टच किया ही नहीं ना कहीं ऑर्डर में, जजमेंट में। राकेश शर्मा जी, कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको पार्टियां अपने अपने हिसाब से लें, छूट है इनकी, अपनी पार्टी को विचार है, लेकिन ना ये पहले चल रहा था उससे 2-5% ही जो है ना थोड़ी सी इसको सुविधा कह लो या पहले वाली असुविधा खत्म हुई है, और है। कोई नहीं है, 14 साल से बच्चे थे ये पहले आया था, 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं, अब एक कोई पार्टी के प्रवक्ता मेरे दोस्त कह रहे थे कि 14 साल जो बच्चों को आधार कार्ड बनाओ स्कूल में, मैं बता दूं जनता को आपके टीवी के थ्रू और आपको भी सैनी साहब जो भी प्रवक्ता आप, मेरा ये है कि 14 साल से नीचे आइटम नंबर 7 पढ़ो आप, उसमें 14 साल से नीचे का बच्चे की कोई भी स्कीम है, एडमिशन की नहीं है और कोई भी वजीफा है कुछ भी है, वो बच्चे वो एग्जाम्ड है, उनको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। राकेश जी अब क्या कहेंगे, बहुत सारी बारीकियां यहाँ पर सोमवीर आर्या जी ने रखी है। मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। के लिए बैंक में हम गए और हमने सेविंग अकाउंट में 5-7 हजार, 10 हजार, 20 हजार हमारी माताएं बहनें या बुजुर्गों ने सेविंग करके उसमें डाल दिया, और एक फोन आता है भी आपकी जी कोई स्कीम आई है, अभी कोई लॉटरी निकली है जी, आप अपना आधार कार्ड नंबर बताइए, अपना अकाउंट नंबर बताइए, और 5-10 मिनट बाद ही मैसेज आता है आपके अकाउंट में 20 हजार था, 20 हजार निकल गया जी। ये ठगी हो रही है लोगों से आधार कार्ड बैंक के साथ जोड़ने से। हर आदमी चाहता है अभी घर के अगर 4 मेंबर हैं, मेरे खाते में 20-50 हजार रुपए सेविंग में रहे, कभी इमरजेंसी हो उसको मैं यूज कर सकूं, निकलवा सकूं। नहीं नहीं राकेश शर्मा जी, तो भाई साहब आधार कार्ड कौन सा छीन रहा है उस पैसे को? तुगलकी फैसला देके जबरदस्ती, राकेश शर्मा जी इसके लिए आधार, इसके लिए आधार, आधार कैसे जिम्मेदार है इसके लिए? सर आधार कार्ड का नंबर लेके अकाउंट नंबर ले लेते हैं, भोली भाली जनता है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है, भोली भाली जनता को समझदार बनाइए ना साहब। हाँ जी तो उसके लिए कम से कम सर टाइम तो मिले ना, जबरदस्ती तो तुगली फरमान तो ना सरकार लागू करे जनता पे। साहब हमेशा हमेशा ये बैंक की तरफ से मैसेज, बैंक की तरफ से हमेशा ये एक अलर्टनेस जारी की जाती है कि कोई भी अगर आपसे अपना बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है या पिन कार्ड आपका मांग रहा है तो मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन कहा, बहुत अच्छे से समझाया, जिस प्रकार से मेरे साथी सोमवीर जी ने, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता ने समझाया, इनकी लीक और इनकी नहीं नहीं, फिर वो अभी भी भ्रष्टाचार, अब इनको हमारे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मत बोलिए, बीजेपी के नहीं है वरिष्ठ अधिवक्ता। मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ, तो आज का जजमेंट उसका ब्रीफ, छोटा सा वकील हूँ मैं, बहुत बड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट के, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने समझाया बड़ी बारीकी से समझाया, पार्टी पर कोई हमला नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट का कोई हमला नहीं है, अगर देखा जाए समझा जाए तो पैन कार्ड से अगर आधार कार्ड जरूरी है तो वो भी जुड़ी रहा है, और मैं आंकड़ों के आधार पर बताऊं तो आधार की सहायता से ऑपरेशन मुस्कान के तहत 10,000 बच्चों की पहचान करके उनके घर तक पहुंचाया। चलिए योजनाओं पर मत आइए, अब मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए, मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए कटारे साहब, कटारे साहब बड़ी बात आधार से, अरे मत गिनवाइए भाई साहब, मत गिनवाइए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब ये कहा है प्रमोशन में जो आरक्षण होगा वो राज्य सरकारों का फैसला होगा, राज्य सरकारों का फैसला होगा। सुदेश कटारिया जी, आधार को हटा के भ्रष्टाचार जी चले, 4-4 साल में 4-4 बार हरियाणा चढ़ाए सरकार में, 4-4 बार हरियाणा चढ़ाए सरकार में, 1 सेकंड राकेश कटारिया साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए राकेश जी, 1 सेकंड सुदेश कटारिया साहब, आप जब विपक्ष में थे ना 2014 से पहले, तो कांग्रेस इस आधार कार्ड को लेकर के आ रही थी, ये पी चिदम्बरम साहब का एक ड्रीम था कि इस तरीके के ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बने, ये उनकी कोशिश और यूपीए सरकार की कोशिश है, इसमें आपने बहुत ज्यादा तीर मार लिया हो ऐसा नहीं है,
तब जब आप विपक्ष में थे तब आप इसी आधार कार्ड की बुराई करते थे, इसी आधार कार्ड को आप ना लाने की गुजारिश करते थे, पेशकश करते थे, और आज आप इसकी वाहवाही लेना चाहते हैं। याददाश्त बहुत कमजोर है भारतीय जनता पार्टी की। हमने उसकी नीति का, हमने उनकी नीति का, जिस प्रकार से की नीति लगा के वो आधार कार्ड लेना चाहते थे, उनकी नीति का विरोध किया, आधार कार्ड का विरोध कभी नहीं किया। क्या नीति थी जरा बता दीजिए, आधार कार्ड को सही मायने में क्या नीति थी उनकी, इंप्लीमेंट किया ने, उनकी नीति क्या थी, उनकी नीति क्या थी भाई साहब, अगर उसको भ्रष्टाचार, उनकी नीति क्या थी बता दीजिए, उनकी नीति क्या थी, प्रधानमंत्री उनकी नीति क्या थी, उनकी नीति क्या थी, उनकी नीति बताइए ना, उनकी नीति बताइए क्या थी जिसका आप विरोध करते थे। उसको नागरिकता से जोड़ना चाहते थे, हमारा काम नागरिकता से, तो आपने भी जोड़ा है इसको, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की, नागरिकता से तो ये आधार कार्ड जुड़ा ही, नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र ये है। अरे आज ये रट के आए क्या, ये एक रुपया चलता था, दस पैसा पहुँचता था। माननीय मनमोहन सिंह जी जीएसटी लेके आए तो उसका विरोध, मोदी जी जीएसटी लेके आए तो उसकी फेवर। एफडीआई भूल रहे हैं आप, एफडीआई भूल रहे हैं आप। अदालत ने क्लियर कट शब्दों में कहा आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है और इसकी जिस प्रकार से ये तब भी कंपलसरी है, मनमोहन सिंह जी एफडीआई लेके आए तो उनका विरोध करें और ये विदेश से जाके एफडीआई के लिए लोगों को बुलाते जाएं। जब कांग्रेस लेके आए तो ये बुरी चीज है, आप लेके आए तो पता नहीं कहां से धोखे ले आते हैं उसको, कौन से अमृत से कि वो चीज अच्छी हो जाती है। अच्छी चीज गलत थी, एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हर आदमी का दो डबल चरित्र है, दोहरा चरित्र इन लोगों का। अच्छा ठीक है, सतबीर सैनी साहब के पास चलते हैं, हर जगह दोहरा चरित्र इन लोगों का। सतबीर सैनी साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारों का ये फैसला होगा साहब कि वो प्रमोशन में आरक्षण देते हैं या नहीं देते हैं, इसको लेकर के आपकी जो पार्टी है उसका रुख क्या है? हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, निर्णय थोड़ी ना है साहब, ये तो सरकारों पर, स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया है उन्होंने। निर्णय है, निर्णय पहले स्टेट गवर्नमेंट, पहले स्टेट गवर्नमेंट तय करे, नहीं तय ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, वो स्टे हो गया था, स्टे होने के बाद उसमें ये बात आई थी कि इसकी गणना वगैरह हो, दोबारा सर्वे हो, उसके बाद इसको लागू किया जाए, और वो उसका फाइनल निर्णय आया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होनी चाहिए। आपकी अगर पार्टी की सरकार बनती है तो प्रमोशन में आरक्षण देंगे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है वो रिप्रेजेंटेशन का है, रिप्रेजेंटेशन जो इन कम्युनिटीज के लिए तय की गई है, चाहे एससी है, ओबीसी है, जिनका भी है, दुष्यंत चौटाला का एक स्टेटमेंट है भाई साहब पूरा करने के लिए। सतबीर सैनी साहब, दुष्यंत चौटाला का हालांकि स्टेटमेंट जो है वो इससे मिलता जुलता नहीं है, वो दूसरी तरफ से आरक्षण की दूसरी परिभाषा देते हैं दुष्यंत चौटाला। नहीं, वो दूसरे कंटेक्स्ट में बात है, लेकिन आज जजमेंट की बात हम कर रहे हैं, मैं जजमेंट के बात पे कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं, कंटेक्स्ट में बात ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भी आपको संभल के चलना पड़ रहा है कि दुष्यंत चौटाला का स्टेटमेंट कुछ है और उनका स्टेटमेंट। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नहीं नहीं, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके तहत हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपसे मैं कटारिया साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, चूंकि चुनाव नज़दीक है, अब ऐसे में आप लोग थोड़ा सा भी इसमें इफ और बट वाली सिचुएशन आई तो फिर दिक्कत हो सकती है साहब, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट आपकी है स्टेट में। बिल्कुल साकेत जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारी पार्टी का तो सीधा फंडा है सबका साथ सबका विकास, जहां जनहित की बात हमें लगेगी, जहां हमें लगा। मैं ये पूछ रहा हूं, आप देंगे क्या आखिरी आदमी तक फायदा किस अब तो स्टेट गवर्नमेंट की बात है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है कटारे साहब, कटारे साहब स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो प्रमोशन में आरक्षण दे या ना दे, आप लोग तैयार हैं देने के लिए? पूछ के आए हैं ना मनोहर लाल जी से, सरकार की मनसा साफ है, सरकार की मनसा साफ है। मनोहर जी से पूछ लिया है आपने, आदमी तक फायदा पहुंचाया जाए, मनोहर जी से पूछ लिया है आपने कि आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे प्रमोशन के, गरीब जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी जाए। ऐसा मैं पूछ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री, भाजपा का स्टैंड क्लियर नहीं है, ये
ये आखिरी आदमी तक किस प्रकार से सरकार ये बिल्कुल कहने के लिए है लागू कुछ नहीं होगा पर कटिबद्ध है। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया तो उसमें भी हमने संशोधन लाके वो करके दिखाया। कटारिया साहब इस 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। अगर आपका भाषण हो गया हो तो मेरा सवाल सुनिए। इतने अहम फैसले लिए अगर भाषण आपका हो गया हो खत्म तो सवाल सुन लीजिए। जहां दलितों का हक हकों की लड़ाई लड़ी हो भाषण हो गया। आप बहुत अच्छा बोलते हैं कटारे साहब। आपको जरूर मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री अगर देख रहे होंगे तो अपनी रैली में जरूर आपको देंगे मौका बोलने के लिए। बहुत अच्छा हक और हकूक इस ऑर्डर को मैं थोड़ा सा एकदम प्रदेश की जनता को इतने चाल चरित्र चेहरा बताना है सर। सरकार की उपलब्धि किस प्रकार से आखिरी आदमी तक सरकार का पैसा आखिरी आदमी तक पहुंचे वो काम हमारा है। सोमवीर आर्य जी कुछ कह रहे हैं राजनीति करना हमारा काम नहीं है। ठीक देखिए जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो एससी एक्ट का जो रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसके में आया है तो इसकी छोटी सी कहानी है बिल्कुल कि एस नटराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस 2006 से पहले डाला गया था उन्होंने फाइल किया था उसमें प्रमोशन के खिलाफ स्टे के लिए था और नटराजन जो था अदर देन कोट्टे का था और उसने जो कोट्टे उसी के साथी की किसी का प्रमोशन कर दिया उसे जूनियर का उसके खिलाफ एस नटराजन एंड अदर्स बहुत थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो केस चलते चलते 2006 में कोर्ट ने जो नटराजन ने केस फाइल किया जिसके खिलाफ किया जो कैंडिडेट को एम्प्लॉय को आउट ऑफ वे प्रमोशन दे दिया था उसे जूनियर था उस ऑर्डर पे स्टे कर दिया जी सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में 2006 में। उसके बाद ये केस चलता रहा और टेम्परेरी स्टे टाइमिंग दे दिया जब तक टिल द फर्दर ऑर्डर स्टे दे दिया वो अब तक चलते चलते ही आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद जो है स्टेट के पाले में फेंक दी उन्हें कंडीशन दी है कि भाई आप पहले जो जितने भी इम्प्लॉई हैं एस सी एस सी एक्ट के उनकी सर्वे करो ना कि गवर्नमेंट कह रही थी जी उनकी सर्वे पॉपुलेशन के हिसाब से करके हम प्रमोशन का डिसाइड करेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है इसमें उन्होंने कहा कि इम्प्लॉई का सर्वे कीजिए आपके इम्प्लॉई कितने कोटे के हैं और कितने लोग हुआ कब कितने दिनों प्रमोशन हुआ जो आदमी आज से 20-30 साल पहले था रिटायरमेंट पे वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सपोज क्लर्क लगा था वो तो सुपरिटेंडेंट बना काम तो इस तरह से वो जो है ना ये चीज़ कंक्लूड की है कोर्ट ने आज। अब इस पर आप राजनीति अब ये है कि सरकारें देखें उन्होंने कहा भी स्टेट में अब स्टेट का ये है सुप्रीम कोर्ट की नीयत ये रही होगी कि हर स्टेट में अलग अलग स्टेटस है बहुत से स्टेट्स ऐसे जिसमें एसटी नहीं है शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है हमारे हरियाणा में नहीं है राजस्थान में कुछ स्टेट्स में एससी का कम कोटा है कुछ स्टेट्स में बैकवर्ड जो ओबीसी वगैरह है ये किसी स्टेट में यादव कहाँ ही नहीं है कहीं कुछ नहीं है जाट कम्युनिटी है ये हरियाणा में नहीं है बाकी 8 स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं मिलती। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता से जितने भी इम्प्लॉई हैं उनको देखो उनकी स्पीड देखो वो अपनी एफिशिएंसी से कितना आगे जा रहे हैं और कितना उनको कास्टिज्म के हिसाब से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो आप करो और दे दो। उन्होंने ये भी नहीं कहा हमें बताओ उन्होंने कहा है आप अपना सर्वे करो अपने हिसाब से देखो अगर ज़रूरत लगती है जनहित में है अगर है तो आप उनको दे दो। ये है इसका टोटल कंक्लूजन आज ही आया है फैसला। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकारें फैसला लेंगी तो उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा चैलेंज तो उसको भी किया नहीं जा वो सकता। चैलेंज तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है बट ये है कि इस दायरे में अगर वो करते हैं जो आज गाइडलाइन कह लो जजमेंट कह लो इस दायरे में अगर करेंगे तो वो फिर वो नहीं हो सकती चैलेंज नहीं हो सकती। सैनी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे वो कॉन्टेंट चैलेंज नहीं होंगे। ठीक मेरा कहना यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है जो रिप्रेजेंटेशन की जो बात की गई है अगर रिप्रेजेंटेशन कहीं कम है उन रिप्रेजेंटेशन को पूरा करने का उत्तरदायित्व तो राज्य सरकारों का है और जो भी रिप्रेजेंटेशन को इक्विवेलेंट इक्वलिटी के सिद्धांत पर लाने की जो बात है उसमें हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही आगे भी उसका पूरा ध्यान रखेगी। राकेश शर्मा जी जी सर अगर आपकी सरकार बन गई तो इस पर क्या करेंगे हमारे नहीं हमारी सरकार तो पहले से क्लियर है जी हमारी सरकार का तो एजेंडा पहले से ही क्लियर है प्रमोशन में जिसका जो राइट बनता है उसको मिलना चाहिए। और सुदेश कटारिया साहब आप तो अपना स्टैंड क्लियर कर ही नहीं रहे कर भी नहीं पाएंगे ये बिल्कुल कर भी नहीं पाएंगे जिस प्रकार से माननीय अदालत की
फैसला आया उसकी अनुपालना की जाएगी। और बात मैं राकेश शर्मा की और कांग्रेस की करूं तो 25 साल से बैकलॉग के नाम पर दलित रोड पर घूम रहे थे, पिटते घूम रहे थे। अगर उनको भी पूरा करने का काम किया तो हमारी ऐतिहासिक सरकार ने किया है। अगर आंकड़े गिनवाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। नहीं अगर सही मायने में अगर जो लोग 154 आपने वादे किए थे आप वो तो गिनवा नहीं पाते हैं, सुबह से शाम होने की बात करते हैं आप। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगा, कांग्रेस सरकार में नहीं लगा। एससी एसटी एक्ट में ऐसा चार बार लगा इस सरकार ने प्लस में, ये प्रमोशन जो कहां पे करेंगे बिना हिचक करके उसमें संशोधन करके उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़के दिखाई। चार चार बार ऐसा लगा है सरकार में, यू टर्न सरकार है कि 3 बजे डीजी को रिटायर करते हैं, 5 बजे उसको ज्वाइन कराते हैं दोबारा, ये स्टैंडर्ड सरकार का। चलिए ठीक है, चलते चलते बस एक चीज में सुमीर आर्य साहब आपसे जरा एक चीज में समझना चाहता हूँ, एक चीज और कही गई आज की चर्चा में। ठीक है आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, बस चलते चलते एक चीज और, ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए उनका, एक आखिरी सवाल ले फिर चलेंगे चर्चा करते। ये सुप्रीम कोर्ट ने की जो प्रोसीडिंग होगी उसको लाइव करने के बाद सामने आई है, ये किस मामले में है? नहीं नहीं आज वो जजमेंट आया, वो कहते जनहित में कोई इशू होगा, ये नहीं है कि मेरा मर्डर केस है मैं उसको टीवी पर लाओ दी, मेरा मर्डर केस उस पर ट्रायल हो रही है ना, अपील में आर्गूमेंट है, वो नहीं, जनहित में जो भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आज वाला ये था, ये जनहित का मामला था आधार कार्ड का, जिसमें बहुत बड़ी लार्ज स्केल में पब्लिक इफेक्टेड होती हो, उन ही मामलों में होगा, सभी में नहीं होगा। उसका ये नेचर ये है कि आप जनहित के जो मामले हैं ना, तो इसमें समाज की भलाई का है, सिर्फ उन पे होगा। जैसे बावरी मस्जिद वाला है, ये जो जनहित में एक लार्ज स्केल पे जो जिसको मास 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 का असर पड़ रहा है, इफेक्ट करती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। आज के इस कार्यक्रम का हमारा मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहमियत रखने वाले फैसले आज लिए गए हैं उसको विस्तार से आप तक पहुंचाएं और उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी लें। चलिए इसी के साथ हमारी पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।